स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक इकाई भिवाड़ी की तरफ से मंगलवार को मनसा चौक पर अपनी अनेक सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर इनका पुतला दहन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में निजी स्कूल संचालक एवं इन पर कार्यरत अध्यापक मौजूद रहे एवं उन्हें मुख्यमंत्री एवं पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। इस दौरान धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन की खबर लगते ही भिवाड़ी फूलबाग थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी भी मैं पुलिस जाप्ते के मौके पर पहुंच गए। स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक भिवाड़ी के अध्यक्ष सेवाराम यादव ने बताया कि उनकी संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा अनेक बार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं पूर्व शिक्षा मंत्री के पास गए, लेकिन हर बार ही उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इस पर व्यथित होकर अनिल शर्मा ने अपने आप को आग लगाकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। आज उनके समर्थन में ही यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मुख्य रूप से निजी स्कूलों की मांग है कि उनकी आरटी का भुगतान तुरंत करें एवं बोर्ड के अंदर एक निजी संस्थाओं का व्यक्ति भी नियुक्त होना चाहिए, ताकि सरकार की अनेकों योजनाओं में निजी स्कूलों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सके। स्कूल शिक्षा परिवार जो है उसके सरकार से मांग थी कि सारे सरकारी स्कूल निजी स्कूल जो है वो खोले जाएं, लेकिन सरकार जो है बिना वजह कारण जो है इनको स्कूलों को बंद किए हुए हैं। WHO ने बाकायदा रिपोर्ट अपनी जारी की है कि कोरोना जो है बच्चों में नहीं है, स्कूलों में नहीं है। तो सरकार की नीति है कि स्कूलों को बंद किया जाए ताकि एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है उसको शिक्षा से दूर किया जाए। हमारी ये मांगे हैं, सरकार यथावत पूर्व की तरह सारे स्कूल जो है उनको खोला जाए, और जो स्कूल निजी स्कूलों को जो कोरोना काल के जो दौरान घाटा हुआ है आरटी का, उनका आरटी का भुगतान है। दूसरी जो मांगे हैं जो सरकार ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में जो रखी हैं, हम चाहते हैं हमारी उन मांगों को जल्दी से जल्दी सरकार जो है पूरी करे और निजी स्कूलों को खोला जाए। और उसके लिए हमारे जो स्कूल शिक्षा परिवार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री से बात किया, मुख्यमंत्री से बात की है, और उनकी बात जब नहीं मांगी गई तो उन्होंने अपने आत्मदाह का प्रयास किया है। तो हम अनिल जी के साथ हैं, स्कूल शिक्षा परिवार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो जो भी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकार पूरी करे। ठीक है, ज्ञापन का स्तर जो है हमारा काम है वो पहले प्रदेश स्तर पर हो चुका है। ये हमारा एक सपोर्ट है सरकार को जगाने के लिए, अनिल शर्मा का हमें सपोर्ट दिखाने के लिए। ठीक है जी सर, जो आज का जो मुद्दा मेन मुद्दा क्या है आप लोगों का? सर मेन मुद्दा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री अनिल शर्मा जी, तो वो हमारे स्कूलों के हितों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, बट सरकार हर बार आश्वासन देती है और आश्वासन के बाद में अब तो ये हद कर दी कि उन्होंने मिलने से ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मना कर दिया, जिस कारण से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आत्मदाह का प्रयास किया हमारे स्कूलों को बचाने के लिए। गरीब अभिभावक और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा भाई प्रॉपर वे में मिले, तो उसके वो हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी सरकार उसको नकार रही है और वो उनको बार बार इग्नोर करती है, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये कहा था, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी, कि हम प्राइवेट स्कूल की प्रत्येक के आग्रह मांगों को हम मांगेंगे और एक उचित जो कार्रवाई है वो हम आगे करेंगे। अब कोविड में बार बार स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, जिससे बहुत भारी जो नुकसान है जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर होता है, मिडिल क्लास के बच्चों की पढ़ाई पर होता है, जिसकी वजह से वो बेचारे पीछे हो जाते हैं शिक्षा में। तो हमारी मांग ये है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो सरकार से मांग रखी है उसको तुरंत प्रभाव से भाई मानने का कार्य करें और हमारे जो आरटी का जो भुगतान है वो समय पे किया जाए। तो क्या मुद्दे थे आपको माननीय सरकार से जो मुद्दे रखे थे, मेन मुद्दे क्या थे? मुद्दों पर कई बार चर्चा हो चुकी है, आरटी के भुगतान की है हमारा, दूसरा ये बोर्ड के अंदर जो हमारा एक प्राइवेट स्कूल का एसोसिएशन की तरफ से एक आदमी नियुक्त होना चाहिए, प्रैक्टिकल में हमारा एक आदमी नियुक्त होना चाहिए, तो ये हमारी कुछ मांगे थी स्कूल की, प्राइवेट स्कूल कल्याण बोर्ड की तरफ से भी ये था कि भाई एक अग्र सदस्य हमारा हो उसमें, ताकि जो बच्चियों को जो गार्गी पुरस्कार है वो समान रूप से प्राइवेट स्कूल की बच्चियों को भी मिले, और सरकारी जो स्कूल में बच्चियां हैं उनको तो मिलता ही है, बट हमारी बच्चियां हैं वो भी तो क्या करें, राजस्थान की है वो भी तो बेचारी हमारे स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ती है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें मान्यता दे रखी है, तो उनको भी वही अधिकार मिले जो सरकारी स्कूल में जो योजनाओं का लाभ होता है, तो वो हमारी मांग है। ठीक है, कितने लोग आपके यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल? हमारे यहाँ पर करीब 200 से अबव है, 500 के आसपास।
किस बैनर तले आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारा जो स्कूल शिक्षा परिवार है, ब्लॉक भिवाड़ी है, तो हम उस बैनर तले अपनी मांग को उठाते हैं। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष का जो आह्वान है कि भाई सभी जगह आप अपनी मांगों को उठाएं ताकि मेरे को और मनोबल मिले, तो उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सेवाराम यादव है, ब्लॉक शिक्षा अध्यक्ष भिवाड़ी।